हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेपर्स एजुकेशन. आई एम अनिता तोशलीवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एंड वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मर्केंटाइल लॉ फॉर सीए फाउंडेशन. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, अभी हम लोगों को लॉ पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले उनकी डेफिनेशन. एवरी लॉ के अंदर सेक्शन 2 द डेफिनेशन पार्ट फॉर दैट लॉ. ठीक है, तो उसी तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन पार्ट है सेक्शन 2. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2 सब क्लॉज एच. सब क्लॉज एच मतलब उसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस रहते हैं और हर क्लॉज के अंदर एक डेफिनेशन दी रहती है. तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2 सब सेक्शन एच विच डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है? कॉन्ट्रैक्ट. और लॉ के अंदर यू कांट यूज योर ओन लैंग्वेज बिकॉज एवरी वर्ड हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन. ठीक है, तो हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं. तो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच सेज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. क्या बोलता है वो? वो एक अग्रीमेंट है जो लॉ एनफोर्स करता है. तो टू इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस इज अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो एनी अग्रीमेंट कैनॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अगर आज मैं लेमैन की लैंग्वेज में देखती हूँ तो व्हाट इज एन अग्रीमेंट? मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस किया, दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट. मैंने कोई पेपर पे साइन कर दिया, दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट. मेरे को जॉब का ऑफर लेटर मिला, दैट बिकम्स एन अग्रीमेंट. एवरीथिंग इन इज एन अग्रीमेंट. अ फादर प्रॉमिस्ड हिज सन दैट आई विल टेक यू टू मूवी ऑन नेक्स्ट संडे इज अगेन एन अग्रीमेंट. बट दैट इज एन अ सोशल अग्रीमेंट. वाई इट्स अ सोशल अग्रीमेंट? बिकॉज वी डोंट हैव टू एनफोर्स दैट इन लॉ. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. मतलब उसका लॉ के अंदर कोई लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा. ठीक है, सो अभी उसके अंदर हमको दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. सो व्हाट इज एन अग्रीमेंट? तो उसके लिए हम जाते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज ई. अग्रीमेंट में सबसे ज्यादा वर्ड कौन सा आता है? सबसे ज्यादा लेटर कौन सा रिपीट होता है? ई. इसीलिए ई के अंदर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. दिस इज द वे वी लर्न क्लॉजेस का नंबर. ठीक है, अग्रीमेंट में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा वर्ड होता है, कौन सा लेटर होता है? ई. इसीलिए सेक्शन 2 सब क्लॉज ई डिफाइंस अग्रीमेंट. नाउ व्हाट डज दिस से? इट सेज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस. वो क्या बोल रहा है? हर प्रॉमिस या बहुत सारी प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन विथ ईच अदर. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है अग्रीमेंट के अंदर? इट हैज टू बी अ प्रॉमिस एंड देर मस्ट बी अ कंसिडरेशन. क्या इंपॉर्टेंट है? देर हैज टू बी अ प्रॉमिस एंड देर हैज टू बी अ कंसिडरेशन. तो अग्रीमेंट डिफाइन क्या करता है? अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन विथ ईच अदर. अगर कोई कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए तभी वो अग्रीमेंट कहलाएगा. ठीक है, तो सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज ये डिफाइंस अग्रीमेंट. नाउ अग्रीमेंट बोल रहा है कि प्रॉमिस होना चाहिए. नाउ अगेन व्हाट इज प्रॉमिस? तो लेट्स गो टू सेक्शन 2 सब क्लॉज बी विच डिफाइंस प्रॉमिस. ये मैंने कैसे याद किया? प्रॉमिस का पी को जब मैं उल्टा कर देती हूँ तब वो बी बन जाता है. कैसे याद किया? प्रॉमिस के पी को जब मैं उल्टा कर देती हूँ तब वो बी बन जाता है. तो सेक्शन 2 सब क्लॉज बी डिफाइंस प्रॉमिस. एंड व्हाट इज प्रॉमिस? When a person to whom the proposal is made. Promise के लिए क्या जरूरी? एक proposal होना चाहिए. When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. मतलब अपना okay देता है, अपना acceptance देता है. Then such accepted proposal becomes a promise. तो अगेन सेक्शन 2 सब क्लॉज बी डिफाइंस व्हाट इज प्रॉमिस. तो हम लोगों को क्लियर हो गया व्हाट इज प्रॉमिस. एनीथिंग कैन बी ए प्रॉमिस. लेमैन की लैंग्वेज में हम लोग रोज प्रॉमिस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया, अ फादर हैज प्रॉमिस्ड हिज सन टू गो ऑन अ मूवी. ठीक है, या फिर को मैंने प्रॉमिस किया है कि वी विल गो फॉर अ डेट. एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को बोला है वी विल गो फॉर अ डेट. या फिर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इतने टन्स ऑफ राइस या इतने टन्स ऑफ व्हीट आपको इस डेट पे सोल्ड करूंगी. तो दीज ऑल बिकम फॉर्म पार्ट ऑफ प्रॉमिस. लेकिन दिस इज अ ऑफर. ठीक है, प्रॉमिस क्या है? एक ऑफर है, एक ऑफर. लेकिन जब सामने वाला एक्सेप्ट करता है तभी उसे प्रॉमिस बोलते हैं. मैं बोलती हूँ आई विश टू हैव अ जगुआर विद मी. दिस इज माई विश. दिस इज ऑफकोर्स आई वॉन्ट. ठीक है, बट अगर मैं जाके शॉप के अंदर
बोलती हूँ कि यार मुझे जैगवार खरीदनी है, इस प्राइस पे खरीदनी है, या फिर किसी सेकेंड हैंड गाड़ी के पास जाती हूँ, BMW लेने जाती हूँ, मैं उसको पूछती हूँ भाई इस प्राइस के अंदर तू अपना BMW बेचेगा क्या, तो दैट इज एन ऑफर विच आई एम मेकिंग टू दैट पर्सन वेदर ही विल एक्सेप्ट दैट ऑफर और नॉट. इफ ही एक्सेप्ट इट देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस. अगर मैंने उसको बोला कि तुम अपना 20 लाख के अंदर मुझे BMW दे दो एंड इफ ही एक्सेप्ट दैट offer made by me, then the promise is accepted and then the proposal is accepted and such accepted proposal is known as promise. ठीक है, तो now he is under a promise that if when I will give him 20 lakhs rupees then he will give me his BMW. ठीक है, तो हम लोग क्लियर हो गए. सेक्शन 2 सबसेक्शन H कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन E डिफाइंस अग्रीमेंट. ठीक है, अग्रीमेंट इज एनी प्रॉमिस विद कंसिडरेशन टू ईच अदर, फॉर्मिंग कंसिडरेशन विद ईच अदर. एंड देन सेक्शन 2 सबसेक्शन बी सब क्लॉज बी डिफाइंस प्रॉमिस. प्रॉमिस मीन्स जहां पे भी कोई प्रपोजल है एंड इफ वी सिग्निफाइज आर एसेंट देयर टू सच एक्सेप्टेड प्रपोजल्स बिकम्स अ प्रॉमिस. नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब भी आपको डिफरेंस बोलेंगे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की दोनों की उनके सब क्लॉज के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है वो लिख देंगे. उसके बाद आप क्या बोलेंगे, स्कोप ऑफ अग्रीमेंट इज वाइडर. व्हाई इट्स वाइडर, बिकॉज इट्स इंक्लूड सोशल अग्रीमेंट ऑल्सो. बट स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नैरो. व्हाई इट्स नैरो, बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड सोशल अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के अंदर जैसे मैंने आपको बोला था, अ फादर प्रोमिसिंग हिज सन टू टेक गो फॉर अ मूवी ऑन नेक्स्ट संडे इज एन अग्रीमेंट. But it is not a contract. Why it is not a contract? क्योंकि वहां पे legal relationship होने की establish करने की कोई हम लोगों की इच्छा नहीं थी. There was no intention of the party to establish a legal relationship between the father and the son. लेकिन when I promise that I will supply you this tons of wheat or this much tons of rice on this date at particular price, then this is a contract. Why? क्योंकि अगर मैं नहीं supply करता हूँ तो सामने वाली party has a right to go to the court and sue me for not fulfilling my promise, for not fulfilling my contract. So agreement is a wider term. Why it's a wider term? Because it includes social agreement also. And a contract is a narrower term. Why? Because it does not include social agreement. अच्छा, important thing, कोई legal obligations नहीं होता है अग्रीमेंट में, एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होता है. दिस कैन बी योर थर्ड डिफरेंस. एंड फोर्थ डिफरेंस, ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट. ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल में देखा सोशल अग्रीमेंट्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स हैज टू बी एन अग्रीमेंट. Thus, only the agreement which are enforceable by law is a contract. ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हो गए.